है ही गए। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बड़ों को सलाम और छोटों को हेलो। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही थी कि प्लीज़ मटका कॉफ़ी ट्राई करो, जो कि बहादुराबाद की तरफ है। तो चलते हैं वहाँ पर आज और मटका कॉफ़ी ट्राई करते हैं। और माय लाइफलाइन तो बस सारा दिन रेडी होती रहती है आपका डायलॉग चेंज और अभी भी वो मैक अप ही कर रही है कंटिन्यू। तो अभी बस चलते हैं, ये रेडी हो जाए। ये रेडी हो जाती है तो फिर हम चलते हैं डायरेक्ट मटका कॉफ़ी ट्राई करते हैं। और अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ों का हमें नीचे कमेंट में बोल सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी जाएं और वहाँ की चीज़ें भी ट्राई करके आपको ज़रूर रिव्यू दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर वहीं पर। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, क्या नाम है, हैप्पी आइसक्रीम की तरफ। और यहाँ पे मिलती है मटका कॉफ़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये है तकरीबन चार मीनार की तरफ, ठीक है। तो हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम लोग लोकेशन नहीं बताते, इसीलिए तो लोकेशन मैंने बता दी है। अभी ट्राई करते हैं इनकी कॉफ़ी कैसी है, क्या है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना, तो चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं फिर कि कैसी है। शाम का टाइम भी हो रहा है तो कॉफ़ी का टाइम भी हो चुका है, फिर हम चाय लवर, मैं चाय लवर हूँ। नहीं, मैं तो दोनों नहीं हूँ, ना कॉफ़ी ना टी, बस ये आप लोगों की लव की वजह से लवर थोड़ा सा। चलो ठीक है, फिर हम ट्राई करते हैं। तो गाइस फाइनली कॉफ़ी आ चुकी है, ठीक है। और अब माय लाइफलाइन जो है वो उसको ट्राई करेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, माय लाइफलाइन जो है वो उसको ट्राई करेगी और इधर आ जाती है। देखते हैं इसका टेस्ट, उसको कैसा लगता है, क्योंकि यही है कॉफ़ी लवर और यही ट्राई करके आपको बताएगी कि यहाँ की कॉफ़ी कैसी है। तो आप देख सकते हो उसको डेकोरेट बहुत अच्छे तरीके से किया है। चलो पी ले बेटा, पीती हूँ ना, गरम है यार। गरम है तो चलो ठंडा होने के बाद मिलते हैं। वो बहुत गरम है। अच्छी है। आप पी सकते हो यार, रिकमेंड कर सकते हैं। सर्दी सर्दी में गरम गरम कॉफी, मतलब इसकी जो तारीफ सुनी थी वो बिल्कुल सही अच्छी थी, अच्छी है पीने के लिए। क्योंकि मैं तो कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कॉफ़ी वगैरह का। लेकिन इसको है, ये ज़्यादातर कॉफ़ी वगैरह बहुत ट्राई करते हैं। एक जो मटकी का टेस्ट होता है ना, वो भी आ रहा है लाइक मटका बिरयानी की तरह। मैं उसका फैन हूँ। आजकल हर चीज़ें मटके में आ रही है, पता है आपको, हमने मटका हलीम भी सुना है कि मटका में हलीम भी आ रहा है। अच्छा, उसका भी रिव्यू करेंगे बहुत जल्द कि ये मटका हलीम है क्या, टेस्ट कैसा है। मैं हलीम लवर नहीं हूँ तो मैं आपको उसका सही नहीं बता सकती। हलीम लवर मेरे बराबर में बैठा है, वो बताएगा हलीम। हाँ बिल्कुल, मुझे इतनी ज़्यादा तो नहीं पसंद, लेकिन मुझे अच्छी लगती है हलीम वगैरह, बड़े बड़े ब्रांड्स की जो है ना हलीम मुझे अच्छी लगती है। तो वहाँ भी चलेंगे और उसकी हलीम को भी ट्राई करेंगे और बड़े बड़े ब्रांड्स की हलीम इतनी अच्छी है तो जितने ठेले वालों की होती है। अगर आप हलीम लवर हो बेटा, ठेले वाले जो है ना वो रुई के टुकड़े डालते हैं। चलो देखते हैं। तो चलो कॉफी पीने के बाद ना, हलीम मटका हलीम वो भी ठेला ही। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत नाम सुना है उसका, अब उसके पास चलेंगे देखेंगे क्या सीन है। आजकल हमारे यहाँ ना उनका ट्रेंड खत्म हो गया कांच के बर्तनों का, आजकल मटकों का ट्रेंड आया है। बिल्कुल। तो गाइस चलो अभी चलते हैं डायरेक्ट घर की तरफ, क्योंकि ले आज की जो रिक्वेस्ट थी मटका कॉफ़ी की वो कंप्लीट हो चुकी है। और इंशाल्लाह ये है कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं जो न्यू ट्रेंड होगी ना, हम उनको। हाँ बिल्कुल,
तो अभी बस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय।